Hello everybody, today I am going to explain something very important which is related to this email.gov.in. To log into this you need an email ID which has been created by NIC or government email ID whichever you have, and you have to enter the password. But first of all you have to understand one thing, जो यहाँ पे ये कवच ऐप है ये आपको डाउनलोड करना है कवच ऐप को, तो कवच ऐप को डाउनलोड करना है अपने अपने मोबाइल के ऊपर। मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो यूजर आईडी और पासवर्ड है आपका वो वहाँ पे उसमें एंटर करना है कवच में। टोटल आप यहाँ पे साइन इन तभी कर सकते हो, और साइन इन करके आपकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो है वो ओपन हो जाती है। बट कीप इन योर माइंड कि आपको करना क्या है, डाउनलोड करनी कवच ऐप, और कवच ऐप पे वहां पे जब भी आप यहां से साइन इन करेंगे वहां पे एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मतलब इमीडिएटली आपको करना है जैसे मैसेज प्रॉम्प्ट होता है वहां पे, तो उसके बाद ही आपका यहाँ पे साइन इन ये हो जाता है। अदरवाइज साइन इन नहीं होता, आप अगर पासवर्ड ठीक भी डाल रहे हो तब भी साइन इन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है इसमें साइन इन करने का। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के तो लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये इमेज डालने के बाद आपके पास ओटीपी जो है वो वहाँ पे आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। तो फिर वो ओटीपी डालने के बाद आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, दूसरा हो गया आपका पासवर्ड कैसे रीसेट होगा, और फिर एक नई चीज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो इतना सा ही मैंने बनाया, छोटा सा वीडियो, ताकि आप ये चीज को समझ पाए कि इस गवर्नमेंट ईमेल आईडी पे आपने लॉगिन किस तरह से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि अगर एपीआर आपने भरने हैं अपने, तो वो एपीआर किस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कौन सी ऐप की रिक्वायरमेंट रहने वाली, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ उस पर तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए और आप वो वीडियो जो है वो देख पाओ। तो मैं आने वाले 1-2 दिन में वो वीडियो जो है आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं उस पे लॉगिन कैसे किस तरह से करना है आपको, राइट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।